नहीं सर, कोटा में सर ऐसा है कि कोटा में जो विकास हुआ है इनमें दोनों की देन है, ओम बिरला जी भी देन है, धारीवाल जी भी देन है, तो यहाँ कुछ कह नहीं सकते, किसी का भी हो सकता है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ओम बिरला जी तो सीट निकाल ही लेंगे, ओम बिरला जी तो जीत ही रहे लगातार। नहीं सर, इस बार मुझे कुछ बदलाव भी लग रहा है। कारण क्या है सर? बदलाव ऐसा है कि सर कांग्रेस भी छा रही है, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया बेरोजगारों का, कुछ पीड़ित लोगों का, तो उस हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस भी आ सकती है, इस बार टक्कर रहेगी लेकिन काटेगी सर। तो हिंदू राष्ट्र के आदमी तो अपने हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वोट देंगे, बस मेन मुद्दा वो, कुछ हो विकास हो ही नहीं हो उससे हमें कोई मतलब, हिंदू राष्ट्र के आदमी है तो हिसाब से हम वोट देंगे। विकास से कोई मतलब नहीं है, हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं है, विकास हो या नहीं उससे हमें कोई नहीं, हम हिंदू राष्ट्र के हिसाब से है बस। देखिए ये है, मैं कोटा के तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं, विकास हो या ना हो लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो वोट देंगे। मुद्दे तो महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई संपट में आना चाहिए। दूसरी बात, अभी देखो प्रहलाद जी का जोर चल रहा है, ये है मेन बात तो, और विकास होना चाहिए देश के अंदर। अब ये बस यही झगड़े रहते हैं, बस हिंदू फलाना मंदिर मुसलमान, ये वाला झगड़े खत्म हो गए, तो भाषणों में सुनाई देने लगे। सुकून आना चाहिए जिंदगी के अंदर, धंधे पानी खुलना चाहिए। हर चीज पे महंगाई हो रही, बेसुमार महंगाई, आसमान चूरी है। कोटा में अभी जिस तरीके से कोटा और राजस्थान में या तमाम अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहा है, स्थानीय मुद्दों पर कम बात हो रही है, रोजगार पर कम बात हो रही है, बाकी सारे मुद्दों पर अंदर दो रोज के अंदर अंदर 250-250 रुपए तेल के पीपे पे बढ़ गए, पेट्रोल देख लो आप कितना महंगा हो रहा है। सुकून यार जनता को, बस कोटा की जनता क्या करने वाली है इस बार? जनता तो प्रहलाद जी की चर्चे सुन रहे हैं हम तो, वो तो कोई दिक्कत नहीं हो तो, लेकिन जो पार्टी है कांग्रेस तो कांग्रेस ही है साहब। कांग्रेस के साथ लोग जाने का मन बना रहे हैं इस बार? चलिए विकास तो जो ऊपर के लेवल के वो तो हुए ही हैं, अभी छोटे मोटे जो नीचे लेवल के हैं निगम के एरिया, ये इनको मुद्दा नहीं रख के, जो मेन है जैसे अपना रेलवे कनेक्टिविटी है या आज रोड मैप देख लो, राष्ट्रवाद देख लो, आज जो हमारे बरसों से लंबित मुद्दे थे जिससे आपस में लड़ाई झगड़े मतलब एक विवशता बनती थी, वो मुद्दे हल हो गए। तो आजकल सब जागरूक है, पढ़े लिखे लोग है और अच्छी अब नई पीढ़ी भी जागरूक हो गई है, तो वो सब अपना चुनेंगे कैसे? ओम बिरला जी भी बीजेपी के हैं, प्रहलाद गुंजल ठीक है कांग्रेस में चले गए, वो भी तो बीजेपी के पुराने। देश को हित देखते हुए, राष्ट्र हित देखते हुए ही लोग देखेंगे, जो समझदार है पढ़े लिखे हैं वो ये देखेंगे कि राष्ट्र का हित कहाँ है, और जहाँ राष्ट्र का हित है वहाँ सबकी उन्नति है, सबका विकास है। तो यही एक मेन मुद्दा तो ये है, और काम तो होएंगे सही, विकास आगे और बढ़िया होएगा जब अब तीसरी बार अनुभव अच्छा हो गया अब इनको, और जो अब जो कमियां रह गई है उनका सुधार भी होएगा। देख लो ना, एयरपोर्ट पड़ा है इतने सालों से, एयरपोर्ट मिल गया क्या? मैं बिरला जी ने कहा था लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं घूमूंगा मैं जब तक एयरपोर्ट नहीं आएगा, अभी तक तो आया नहीं, लाल बत्ती की गाड़ी में भी घूम रहे हैं, झूठे वादे हैं झूठे। इतने जो अब चुनाव में रैलियां हो रही हैं, दावे वादे हो रहे हैं, किसी में दम दिखता है बीजेपी कांग्रेस के साथ? हाड़ोती की सीट प्रहलाद गुंजल ले गया बस, समझ क्यों कारण बताइए? कारण ये देखो ना, आपने बिरला जी ने कोई काम ही नहीं कराया, कोई काम बता दो आप, एक काम बता दो हमें करा। रोजगार को लेकर तमाम युवा कह रहे हैं कि चाहे गांव हो शहर हो, यहाँ के युवा बेरोजगारी बहुत जगह है, महंगाई हर जगह है, शिक्षा में इन्होंने इतनी महंगी कर दी। अरे वो तो करने दो उनको, तो मैं भी कह दूंगा मैं 800 पार हूँ, बीजेपी कह रही 400 पार, हम कह रहे हैं 800 पार, कांग्रेस भी तो बोल रही ना 340 बोल ही रही है, बोली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।